देखो बच्चों ध्यान दो, अब जैसे हम लोग ट्रायंगल के अंदर कुछ सेंटर्स के बारे में पढ़े, है ना, ट्रायंगल के अंदर हम लोग कुछ सेंटर्स के बारे में पढ़े। देखो क्या होता है, जैसे जब हम ट्रायंगल बनाते हैं कोई भी, है ना, जैसे मान लीजिए मैं ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, अब देखो क्या होता है, ट्रायंगल बना दिया, देखो जैसे इसका मिड पॉइंट ले लिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो ये एक मीडियन है। इसी प्रकार इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो एक मीडियन है, इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो एक मीडियन है। तो देखो ये ट्रायंगल के अंदर तीन मीडियंस हो गए, मीडियंस, है ना। देखो ये क्या हुआ, है ना, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे तो मीडियन। देखो जैसे AD एक मीडियन है, है ना, FB एक मीडियन है, है ना, और देखो CE एक मीडियन, है ना। देखो AD एक मीडियन है, FB एक मीडियन है, और देखो CE भी एक मीडियन है। तो कोई तीन अलग-अलग मीडियंस हो गए, मीडियंस, ठीक है। अब देखो जहां पर ये तीनों मीडियंस काट रही हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड, है ना। तो इसका मतलब ये जो G है ये हमारा सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या हो गया बोलो, सेंट्रोइड हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, है ना। सेंट्रोइड क्या हो गया बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहां पर तीनों मीडियन काटेंगी, है ना, जहां पर तीनों मीडियन काटेंगी उस पॉइंट को कहेंगे सेंट्रोइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। देखो अभी इसको कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे, है ना, इसको कैसे निकाला जाएगा अभी हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम समझ लें कि क्या क्या सेंटर हो सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहां पर एक बार ध्यान रखना, अगर जी सेंट्रोइड है तो देखो ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए जी बी, देखो एक ट्रायंगल ये बना और देखो एक ट्रायंगल ये बना बी जी सी, है ना, और देखो एक ट्रायंगल ये बना ए जी सी, देखो तीन ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल देखो बना ए जी बी, एक ट्रायंगल बना बी जी सी, एक ट्रायंगल बना ए जी सी, देखो तीन ट्रायंगल बने। अब देखो इन तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, एरियाज आर इक्वल, है ना। देखो ध्यान दो, सेंट्रोइड से तीन ट्रायंगल बनते हैं, ये सेंट्रोइड है, देखो इससे तीन ट्रायंगल बने, तो इन तीनों ट्रायंगल्स के जो एरियाज हैं देखो ये आपस में इक्वल होंगे, ध्यान दो, है ना। ये सेंट्रोइड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, ध्यान दो इस बात पे, ठीक है, पहला। इसके बाद देखो ये हमने सेंट्रोइड समझा, अब देखो आता है इन सेंटर, है ना। देखो अगला सेंटर आता है इन सेंटर, देखो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर में देखो क्या होता है, आपने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ऐसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, है ना। अब देखो क्या करते हैं, जैसे आपने ये एंगल लिया, इस एंगल का बाईसेक्टर लो, ये एंगल लिया इसका बाईसेक्टर लो, ये एंगल लिया इसका बाईसेक्टर लो, है ना, तीनों एंगल्स के बाईसेक्टर ले लिए, है ना। मतलब देखो जैसे ये एंगल है, इसके बाईसेक्ट करने वाली लाइन, इस एंगल को बाईसेक्ट करने वाली लाइन, इस एंगल को बाईसेक्ट करने वाली लाइन। मान लो जैसे ये पॉइंट है डी और ये है ई, और देखो ये मान लीजिए है हमारा टी, है। अब देखो ये जो एंगल बाईसेक्टर्स हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे कहते हैं इन सेंटर, है ना। तो इन सेंटर क्या है, देखो इन सेंटर की डेफिनेशन क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाईसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाईसेक्टर। देखो तीन एंगल बाईसेक्टर है, एक एंगल बाईसेक्टर है AD, एक देखो BK और एक देखो है CE, है ना। तो एंगल बाईसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाता है बोलो, इन सेंटर हो जाता है, इस बात को हम याद कर लें, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा ध्यान दो, जैसे यहां पर क्या होता है कि जो सेंट्रोइड है, है ना, सेंट्रोइड, देखो जैसे ये मीडियन है AD FB CE, अब देखो जैसे ये सेंट्रोइड है
ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा हमेशा। मतलब देखो हम यहां पर कह सकते हैं कि सीजी और जीई है ना, सीजी और जीई का रेशियो हो जाएगा 2:1। देखो ये हो गया सीजी और जीई, इसका देखो रेशियो बन जाएगा 2:1। इसी प्रकार देखो बीजी और जीएफ है ना, बीजी और जीएफ का रेशियो भी हो जाएगा 2:1 है ना। इसी प्रकार देखो एजी और जीडी का रेशियो भी हो जाएगा 2:1 है ना। इस बात को याद रखो हमेशा, ठीक है, सेंट्रोइड में इस बात को हमेशा याद रखो, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे यहां पर इन सेंटर की अगर हम बात करें, देखो इन सेंटर में क्या होगा, देखो जैसे कि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी पहले भी कि देखो जैसे ये लाइन इसका बाईसेक्टर है, देखो क्या होता है जो बी है ना, बी बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी कहा जाता है हमेशा, मतलब जो एसी लेंथ है उसे स्मॉल बी कहेंगे, ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए कहा जाता है हमेशा, मतलब जो बीसी साइड है उसे स्मॉल ए कहेंगे, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी कहा जाता, मतलब जो ए बी साइड है उसे स्मॉल सी कहेंगे, ठीक है। देखो अब जैसे इस एंगल का ये बाईसेक्टर है, देखो क्या होगा एई और ईबी, एई और ईबी का रेशियो वही होगा जो एसी और सीबी का होता है, ये आपने थ्योरम पढ़ा होगा 10th क्लास में, नहीं पढ़ा तो इसको भी याद रखो कोई बात नहीं। देखो ये इस एंगल का बाईसेक्टर है, एई और ईबी का रेशियो वही होगा जो एसी और सीबी का है, और देखो हम ये कह सकते हैं कि एई अपॉन ईबी, देखो एसी, एसी क्या हो गया स्मॉल बी, और देखो सीबी क्या हो गया स्मॉल ए, है ना। देखो एई और ईबी का रेशियो वही है जो एसी और बीसी का है, तो बी इज टू ए, है ना। अब देखो यहां पर एक बात और ध्यान दो कि जैसे ये पूरी लेंथ स्मॉल सी है और ये रेशियो बी है, ये ए है, एई और ईबी का रेशियो क्या है देखो बी इज टू ए, है ना, ये रेशियो बी है और देखो ये रेशियो है ए, ये पूरी लेंथ स्मॉल सी है, देखो यहां से हम ए ई निकाल सकते हैं। देखो ए ई क्या होगा, ए ई हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी, और देखो पूरी लेंथ कितनी है सी, देखो ये ऐसे हो गया, ए ई क्या हो गया, ए ई हो गया, देखो ये बी है और ई बी है ए, तो ए ई क्या हो गया बी अपॉन ए प्लस बी, और पूरी लेंथ कितनी बोलो स्मॉल सी, ठीक है, तो ए ई को ऐसे लिख सकते हैं बी अपॉन ए प्लस बी इंटू स्मॉल सी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो जरा यहां पर, क्योंकि देखो ये रेशो बी है ये ए है, तो इस साइड वाला रेशो बी और रेशो का सम कितना हो गया बी प्लस ए, इस साइड वाला रेशो बी रेशो का सम कितना हो गया बी प्लस ए, और पूरी लेंथ कितनी है देखो यहां पर सी है, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो जैसे अगर हम इस ट्रायंगल को देखें सी ए ई को देखें, सी ए ई, तो देखो क्या होगा कि सी ए ई में ये इसका एंगल बाईसेक्टर है ना, देखो इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो देखो इस ट्रायंगल में ये इसका एंगल बाईसेक्टर है, तो यहां पर भी वही थ्योरम लिख सकते हैं सी आई और आई ई, देखो सी आई और आई ई, देखो सी आई और आई ई का रेशो वही होगा जो ए सी और ए ई का है, मतलब ये हो जाएगा AC अपॉन AE, है ना। देखो CI और IE का रेशो वही होगा जो AC और AE का है, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में भी ये इसका एंगल बाईसेक्टर है। अब देखो AC कितना है, AC है स्मॉल b, और देखो AE ये हमने निकाला b into c अपॉन a प्लस b, देखो b से भी कटा, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया a प्लस b अपॉन c, तो मतलब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि सी आई और आई ई का रेशो क्या होगा, देखो ये ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब ये वाली साइड्स और अपॉन सी, है ना। देखो सी आई और आई ई का रेशो क्या हो गया ए प्लस बी और अपॉन देखो ये साइड क्या हो गई सी, ये देखो हमें यहां पर मिला, है ना। देखो सी आई और आई ई का रेशो क्या हो गया, देखो ये ए प्लस बी और अपॉन क्या हो गया सी, तो देखो ये हमें यहां पर याद रखना है ना, इंटरनल बाईसेक्टर, है ना।
हमने निकाला और हमने इन सेंटर यहाँ पर पढ़ा। अब देखो ध्यान दो, इन सेंटर में क्या खास बात होती है, अगर हम यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे तो तीनों साइड्स को टच करेगा ऐसे करके। अगर हम एक सर्कल बनाएं इसको सेंटर मान के, तो ये सर्कल तीनों साइड्स को हमेशा टच करेगा। ये इसकी इन सेंटर की खास बात होती है ना, कि अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो तीनों साइड्स को ये सर्कल इंटरनली टच करेगा, इस बात को याद कर लो। ठीक है, तो हम लोगों ने सेंट्रोइड पढ़ा और इन सेंटर के बारे में पढ़ा, ये इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है ना, ये बहुत काम आएंगी हमारे आगे चल के। तो इसके नोट करो पहले ध्यान से।